दोस्तों 34.5 की फिटिंग शर्ट कट करके बता रहा हूं आपको। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं तख्ती के लिए यहाँ पे 1 इंच पीछे करिए, 1.25 इंच पीछे करिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने 1.25 इंच पीछे किया, फिटिंग की शर्ट में 1.25 इंच पीछे क्यों किया है दोस्तों, यहाँ पे रिंकल ना आए। इसको पूरा समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक फिटिंग शर्ट कटिंग करना बताएंगे। दोस्तों नॉर्मल साइज की शर्ट है, तो दोस्तों ये फैब्रिक है इसका, तो दोस्तों 2.25 मीटर फैब्रिक है। नॉर्मल शर्ट के लिए 2.25 मीटर ही कपड़ा चाहिए होता है। तो दोस्तों कपड़े को कैसे बिछाना है, कपड़े बिछाने से पहले आपको इसका मेजरमेंट बता देते हैं। तो दोस्तों 27.5 शर्ट की लंबाई है, और इसके बाद में 34.5 इसका चेस्ट है यानी कि सीना है, 30 इंच का पेट है, 34 इंची हिप है, 17 इंची का तीरा है, और 23.5 बाजू है, और 14 इंच का कॉलर है। तो दोस्तों अब कटिंग शुरू करने से पहले इसका कपड़ा, तो ये दोस्तों 2.25 मीटर कपड़ा है, कपड़े की जो राइट साइड है उसको अपने अंदर करना है। दोस्तों राइट साइड यानी कि सीधी साइड को अंदर की साइड में करते हुए इस तरीके से किनार के साथ किनार को मिलाकर कपड़े को बिछाना है सबसे पहले, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। इसके बाद में दोस्तों अपने इस पे मार्किंग करेंगे अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों एल स्केल को इस किनार से मिलाना है, ऊपर एक फर्स्ट मार्क करना है कपड़े को सीधा करने का, इस तरीके से कपड़े को सीधा करना है एक मार्क करके। इसके बाद में दोस्तों अगर आप किनार रख रहे हो तो 2.5 इंच लीजिएगा सामने की पट्टी बनाने के लिए, अगर किनार कट करके रख रहे हो तो 2 इंच रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच ही रखना है, आप चाहे तो 1.25 इंच रख सकते हो, पर दोस्तों आप 2 इंच रख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर किनार साथ में है तो 2.5 इंच, ठीक है। इसके बाद में अपने इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। तो दोस्तों लेंथ है 27.5, 1 इंच प्लस करते हुए 28.5 पे मार्क करना है इस तरीके से। अब दोस्तों चेस्ट के 1/4 पे इसका आर्म होल रखेंगे। तो चेस्ट है दोस्तों 34.5, तो 34.5 होता है 8.5 और 1 सूत ऊपर, ठीक है दोस्तों। अपने क्या करेंगे, यहाँ पे आता है इसका 1/4, यहाँ पे आर्म होल आता है अपना, इससे 1/2 इंच कम करके रखेंगे। दोस्तों कम अपने इसलिए करते हैं कि जब स्लीव लगाएं तो ये इसको चेक कर पाएं कि ये कम ज़्यादा ना हो, अगर स्लीव आपकी छोटी रह गई तो आप इसमें कोई दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए अपने इसको 1/2 इंच कम करके रखते हैं। आप चाहे तो 2 सूत कम करके यानी कि 8.25 पे रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में पेट का मार्क करेंगे ऊपर से 16 इंच पे, ठीक है दोस्तों। ये अपने मार्क करने के बाद में इनको सीधा करेंगे, इस मार्के पे एल स्केल को मिलाया और इनको ऐसे सीधा करेंगे। दोस्तों अब मैं और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको इस आर्म होल के बारे में। तो दोस्तों अपने वैसे तो पहले अपने रखते थे 1/4 पे ही आर्म होल, तो दोस्तों 34 का 1/4 होता है, 34.5 है, 34.5 का 1/4 होता है 8.5 और 1 सूत ऊपर, अपने इसको 3 सूत कम करके रख लिया। दोस्तों अपने यहाँ पे ऐसे अब इसके 1/4 पे मार्क होगा, तो ये बनता है 8.5 और 1 सूत ऊपर, ठीक है दोस्तों। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अपने इसको 1/4 इंच अंदर करते थे, अब दोस्तों 1/4 इंच अंदर करते हैं अपने अच्छी फिटिंग के लिए, यानी कि यहाँ पे फूले नहीं रिंकल ना आए, इसलिए अपने इसको 1/4 इंच तक अंदर करने लग गए, यानी कि ये जो 2 सूत कम किए हैं यहाँ पे, ये जो 2 सूत कम किया है वो यहाँ पे हो रहा है मेंटेन, यानी कि ये पूरा आर्म होल पूरा रेडी होगा एकदम से, जो 2 सूत का डिफरेंस है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे अपने इसकी लूजिंग रखेंगे, 1/2 इंच फिटिंग की शर्ट में लूजिंग छोड़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद में अपना पेट है 30 इंच, तो 30 का 1/4 होता है 7.5 और 2 इंच से 1 सूत कम यहाँ पे लूजिंग छोड़ेंगे। हिप है इसकी 34 इंच, तो 34 का 1/4 होता है दोस्तों 8.5 और इसके आगे अपने 1/2 इंच की लूजिंग छोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये मार्क हो जाते हैं।
इसके बाद में इसका तीरा है शोल्डर, तीरा है 17 इंच का, तो 17 का हाफ 8.5 प्लस 300 मार्जिन के लिए अलग से, और जो ऊपर से शोल्डर डाउन करना है वो 1.5 इंच एक सूत पे करेंगे, आप चाहे तो 1.25 भी कर सकते हो। तो दोस्तों इसका गला है 14 इंच, यानी कि इसका कॉलर है 14 इंच का, 14 को आप 5 से डिवाइड करके गला प्रॉपर रख सकते हो। तो अपने दोस्तों प्रॉपर नहीं, थोड़ा सा कम कट करते हैं, इसलिए 2.5 इंच इस तरीके से, और 2.5 इंची या 1.25 इंची आप ऐसे रख के और इसको ऐसे राउंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यानी कि जो कॉलर है उससे थोड़ा कम कट कर लेंगे, बाद में सिंटाई में इसको प्रॉपर कट कर लेंगे। अब दोस्तों इसकी फिटिंग के मार्किंग और डाउनिंग की मार्किंग करनी है। इसको इस पॉइंट पे मिलाया और ऐसे शेप कर लिया, और इसको यहाँ पे ऐसे, तो दोस्तों इसका आर्म होल का राउंड इस तरीके से करना है ऐसे। ठीक है दोस्तों इस तरीके से, और ये दोस्तों नीचे से शर्ट राउंड है, तो यहाँ पे अपने 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और इसका हाफ करेंगे, ये 10.5 है तो यहाँ पे 1.25 इंच हुआ हाफ इसका, और यहाँ से इसको इस तरीके से राउंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपनी शर्ट के फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है, अब अपने बैक के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 1.25 इंच पे मार्क करना है, और एक आप यहाँ पे भी 1.25 इंच का मार्क कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी हो बैक कट करने में, तो एक यहाँ पे। अब दोस्तों इसको यहाँ से मेजर करेंगे, ये दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच है, यानी कि आपको बैक के लिए जो कपड़ा खोलना है वो 10.25 या 10.5 खोलना है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो 10 इंच भी प्रॉपर खोल के कट कर सकते हो, आप थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए, 10.5 खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब दोस्तों अपने फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी शर्ट का फ्रंट कट चुका है, अब अपने बैक पीस को कट करेंगे। तो बैक पीस को कैसे कट करना है, तो दोस्तों कपड़े की राइट साइड को अंदर रखना है और इसको यहाँ से मेजर करना है 10.5 इंच। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको अब 10.5 इंच पे मेजर कर लेंगे। तो ये दोस्तों 10.5 से थोड़ा सा अधिक हो गया है, चाहे ये 10.5 से 2 सूट कम भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब दोस्तों इसके ऊपर अपने फ्रंट को रखेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों अगर आपने शोल्डर इसके साथ कट करना है, तब आप इसको यहाँ पे सीधा करिएगा ऐसे, और इस पॉइंट को यहाँ पे रखिएगा अगर शोल्डर अलग कट करना है तो ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाना है ऐसे। ठीक है, अपने दोस्तों क्या करना है, इसका जो शोल्डर है वो साथ रखना है। अब दोस्तों ये मार्क किया है, इससे अपने 3 इंच नीचे करते हुए एक मार्क करेंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इस पॉइंट पे मिलाएंगे इसको, इस पॉइंट पे, ठीक है ऐसे। और ये जो मार्क लगे हुए हैं 1.25 इंच वाले, अब इनको ऐसे इस जगह पे मिलाएंगे, यानी कि इस पार्ट पे मिलाएंगे इसको ऐसे, और ऊपर ये 3 इंच ऊपर कपड़ा जमा रहना चाहिए, यानी कि जिसका शोल्डर साथ कट करना है, और बॉटम में भी इनको सही कर लेना है ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपना इसमें शोल्डर यानी कि तीरा है 17 इंच, और 1/2 इंच प्लस यानी कि 18 का हाफ हुआ 9 इंच,
तो यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करना है, और यहां से अपने इसको 2.5 इंच उठाना है, और यहाँ पे दोस्तों ये 3 इंच ऊपर उठाया हुआ है, और यहाँ से अपने 1.5 इंच नीचे डाउन करना है। 2.5 इंच दोस्तों ये रखा था, और ये 2 सूत प्लस करते हुए 2.5 इंच रखेंगे ऐसे। अब इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, और इसको यहाँ पे इस जगह पे, और इसका ये हालर का राउंड करेंगे ऐसे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में नीचे की शेप इस तरीके से करनी है, शेप फट्टी को यहाँ पे रखा और ऐसे शेप कर लेनी है, और यहाँ पे इसका ऐसे राउंड करना है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये अपनी बैक की पूरी कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है, अब मैं बैक पीस की कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो अपना शर्ट का फ्रंट रहता है वो 1.5 इंच तक लंबा रहता है, और बैक जो होती है वो 1/2 इंच या 1.5 इंच बैक कम रहती है, तो इसलिए दोस्तों अपने इसको 1/2 इंच कम कर रहे हैं बैक, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से बैक को कट करते हैं। तो दोस्तों अपनी शर्ट की फ्रंट और बैक कट हो चुकी है, तो ये दोस्तों इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है दोस्तों। ये इस जगह पे इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा, और स्लीव का सेंटर इस जगह पे आने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये फ्रंट और बैक शर्ट का कट हो चुका है, अब अपने इसकी स्लीव कट करेंगे, और बाद में जो इसका इसके ऊपर अटैच होगा शोल्डर यानी कि तीरा, वो कट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप 36 साइज से कम शर्ट, छोटी शर्ट कट कर रहे हैं, तो आप सिंगल अर्ज के कपड़े में भी ऐसे एक साथ दोनों स्लीव कट कर सकते हैं इस तरीके से ऐसे ऐसे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, एल स्केल की मदद से सबसे पहले इस पॉइंट को ऐसे मिलाना है, और ऐसे एक मार्क करना है कपड़े को सीधा करने का। स्लीव को डाउन करेंगे दोस्तों 1.25 इंच, तो 1.25 इंच पे यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ इसे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपनी स्लीव की लेंथ है 23.5। कफ के लिए दोस्तों 1 इंच ऊपर निकाल देंगे, आप चाहे तो 1/4 इंच भी निकाल सकते हैं, 1/4 इंच निकाल दीजिए अगर आप 2.5 इंच का कफ लगाते हैं, अगर 1/2 इंच का लगाते हैं तो 1 इंच निकाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच निकाल दिया, 23.5 स्लीव की लेंथ है, तो 23.5 पे मार्क करेंगे, और इसका कफ लगाना है 9 इंच का, तो 9 इंच का हाफ होता है 4.5, 1 इंच से अधिक, आधा इंच मार्जिन का और आधा इंच की प्लेट रहेगी, ठीक है दोस्तों। सिंपली यहाँ पे दोस्तों आपको सीने के 1/4 पे मार्क करना है, 34.5 चेस्ट है, सीना है, और 34.5 का 1/4 होता है 8 इंच, सॉरी 8.5 और 1 सूत ऊपर, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये मार्क करना है, और यहाँ पे आपको 1/2 इंच पे एक मार्क करना है, यहाँ से इसकी जो राउंडिंग होगी गुलाई होगी स्टार्ट होगी। अब इसको ऐसे सीधा करना है, और शेप पट्टी को इस तरीके से रखते हुए ये मार्क करना है, इस तरीके से दोस्तों ये स्लीव कट चुकी। तो दोस्तों यहाँ पे स्लीव कट हो चुकी है,
अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ये दो पीस ऐसे रखने हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अपने इस मार्के पे इसको कट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। ये अपनी फ्रंट साइड की ओर रहेगा, ये आगे की साइड का है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, ये दोस्तों अपनी स्लीव कट हो चुकी है। यहाँ पे इसका स्लीव का सेंटर रहेगा, जो आपको मैंने शोल्डर में सेंटर बताया, ये सेम वहीं पे आएगा। अब इसके बाद में इसमें बाजू पट्टी कट करनी है। तो दोस्तों ये फ्रंट की साइड का है, इस साइड में नहीं होगी कट, इस साइड में होगी जो बैक की साइड में आएगा। इसमें अपने इसको लगभग 1 इंच की दूरी बनाते हुए इसको ऐसे सीधा रख के क्रीज बनाकर इसमें 4.5 5.5 इंच तक आप इसको ऐसे कट कर लीजिए बाजू पट्टी के लिए, ठीक है दोस्तों, ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी शर्ट कट हो चुकी है। अब इसका एक शोल्डर बाकी है जो ऊपर लगने वाला है। शोल्डर की कटिंग कैसे करें, इस तरीके से दोस्तों शोल्डर के लिए कपड़ा रखना है, और इसके बाद में ऊपर लगने वाला इसका शोल्डर कट करेंगे ऐसे। दोस्तों आप चाहे तो इसको वी शेप लगा सकते हैं, सिंपल चाहे तो सिंपल लगा सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे लगा सकते हैं। जिसका शोल्डर साथ में कट कर लिया उसमें, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसका शोल्डर कट कर लिया है। दोस्तों मैं यहाँ पे इसके ऊपर सिंपल शोल्डर लगाने वाला हूँ। आप चाहते तो इसको ऐसे वी शेप कट कर सकते थे, आपको जैसे कट करना था वैसे इसकी शेप ले सकते थे। तो दोस्तों अपनी यहाँ पे एक फिटिंग की शर्ट कट हो चुकी है पूरी कंप्लीट। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो में शर्ट की कटिंग समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में।